YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड की यह पहली सरकार है जो जनता को भगवान मानकर उनका विकास करने के लिए हर पंचायत के लोगों से राय ले रही है। साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओछी राजनीति करने पर आमादा हैं, वह लोगों को गलत बयानबाजी कर गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपशब्द नहीं कहा है। आज दिसंबर का महीना है, 9 तारीख है। मैंने सोचा कि सरकार भारत सरकार के साथ 3 साल और झारखंड सरकार के लगभग 3 साल हो गए हैं। सरकार जनहित की बहुत सारी योजनाएं चला रही है और आम लोगों तक योजना पहुंच रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खाद आपूर्ति के क्षेत्र में हो, भारत सरकार की योजना हो, शौचालय जो घर घर तक बन रहा है उसकी बात हो, तो मैं रूबरू होने के लिए आप लोगों से मिलने जुलने के लिए बुलाया था। पहले आप देखे होंगे कि सरकार जो रहती थी वो एसी रूम में बैठ के अपनी योजना बनाती थी, बजट पेश करती थी। आज झारखंड में रघुवर जी की सरकार चल रही है, आम जनता से, बुद्धिजीवियों से, एनजीओ के लोगों से यह राय मशविरा करने वाली पहली सरकार हुई है कि हम आपका राय आम जन में कौन सी का योजना उपयोगी हो सकती है, किस तरह से हम बजट लावे जिससे आम जनता को लाभ हो, यह पहला संदेश, पहला उपयोग आदरणीय रघुवर जी ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री की सोच है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि झारखंड की जनता भगवान है, जिसकी इतनी बड़ी सोच हो कि झारखंड की जनता भगवान है, हम उसके सेवक हैं, पुजारी हैं, यह बहुत बड़ी सोच है। अब आम जनता के लिए इस तरह का सेवक मिलना बहुत ही कठिन काम होता है। आज शायद 3 साल के शासनकाल में प्रत्येक दिन कोई न कोई कस्बा में वह जरूर रहते हैं, एक दिन की छुट्टी उनके लिए असंभव है। अगर सचिवालय भी जाते हैं तो अपना टिफिन लेके जाते हैं, कोई भी जनता जाए उसकी एक एक व्यक्ति की बात सुनना, कार्यालय में मंत्रियों का नियुक्ति और काम के प्रति जो भी सुझाव हो वह पूरे ईमानदारी और निष्ठा के प्रति विभाग से समीक्षा, आदरणीय मुख्यमंत्री का कार्य जो है वो आम जन में लोकप्रियता बढ़ी हुई है। इससे कुछ विपक्षी जो हैं वो बौखला गए हैं, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। आप अभी देखते होंगे कि मणिशंकर अय्यर इतने बड़े वकील, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह का वक्तव्य दिया वह घिनौना, और जो भी उसकी निंदा की जाए बहुत कम है। अब उनको जनता बताएगी कि उनका स्टेटमेंट का कौन सा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इस तरह की उसी राजनीति विपक्ष कर रही है, मरा हुआ विपक्ष है और मरे हुए विपक्ष को कहीं कोई सत्ता से दूर रहने से उनको छटपटाहट हो गई है और अनर्गल बयानबाजी करते चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई पेपर में हमको देखने को नहीं मिला, कोई जो भी मैसेज मीडिया में नहीं, अपने मोबाइल में आजकल लोग फैशन सीख लिए बनाने का, उस तरह का भरसर वो दे ही नहीं सकते जो सबका साथ सबका विकास कहता हो और झारखंड की जनता को भगवान कहकर संबोधित करता हो। और इस तरह की हम तुष्टिकरण की नीति नहीं करते, यह तो कांग्रेस करती है तुष्टिकरण की नीति। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार के मुखिया इस तरह का कह ही नहीं सकता है, क्योंकि कई बार उनका स्टेटमेंट कल सिमटेगा में उन्होंने बोला कि जनता भगवान होती है, जो आप जनता को भगवान माने उसकी पुजारी के रूप में सेवा करें। अब इस तरह का अनर्गल कोई बयान देता हो, इस तरह का लोग कोई मीडिया में नहीं, कोई अपने व्हाट्सएप पर चलाता हो, यह एक घिनौना राजनीति है और इस तरह का बयान हो ही नहीं सकता। जिस तरह से कल यहाँ के एक मंत्री थे और बयान दे रहे थे और अपने उनके मंत्री दुकान में किस तरह का काम किए हैं, सैकड़ों परिवार आज इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास से वंचित है, ओछी राजनीति करके 5-5 हज़ार का चेक सत्ता में रह के बंटवा के आज उनको फंसा दिए हैं। उनको पहले सोचनी चाहिए कि हम झारखंड में किस तरह से सरकार चलाए, निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना के सरकार चलाए, क्या संदेश देना चाहते थे जनता को, कहाँ ले जाना चाहते थे राज्य को। आज सरकार चल रही है, उनको यह पच नहीं रहा है सरकार की लोकप्रियता से, लोग बुखलाहट में है आज।